तो बात की बात है, जिला देखो कितनी प्यारी लग रही, निगाहें नहीं हट रही यार। गाइस दस्ती निकाल दी है वो, रख ये सैंपल बन रहा है, ये कटेगा फिर रखेंगे उस पे। लगा पीछे लगा एक बार। कुछ ऐसा भाई ये बनी है, देख लो लगेगी कल। हम खाना खा ले, और रखा हुआ निकला। अब टाइट हो रहा है भाई, सारे बोल्ट भाई अपनी जिला खड़ी है यहाँ पे। अभी बैटमैन स्पॉइलर लग रहा है। ये बॉयज एंड गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सर क्या हाल, इट्स मी साहिल खालिद बैक अगेन विद अ वीडियो। सो गाइस आप सभी का स्वागत है एक और मेरी नई वीडियो में। और गाइस इससे प्रीवियस वाली वीडियो में आप लोग से कहा था कि भाई अगली वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। सो गाइस यही वो वीडियो है जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और सुपर्ब होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग दो काम करने वाले हैं अपनी जिला पे और एक ही वीडियो में। पहला तो है भाई कि हमारा जो प्रीवियस स्पॉइलर है यूनिवर्सल वाला, वो हम लोग आज रिमूव कर देंगे और उसमें लगाएंगे मॉन्स्टर स्पॉइलर। वो स्पॉइलर भी दिखाएंगे। वो स्पॉइलर भाई हम लेने गए थे कानपुर, वो ऑनलाइन मिल रहा था थोड़ा महंगा, मैं कानपुर में थोड़ा सही मिल गया था तो उसको हम कानपुर लेने गए थे। और दूसरी मेन चीज़ ये है भाई, आप लोग टाइटल से समझ गए होंगे कि भाई आज हम लोग इसमें बनाने वाले हैं केज, मतलब स्पॉइलर का केज। आप लोग ये फोटो देखो, ये फोटो देखा आप लोग ने, ये फोटो है नीड फॉर स्पीड हीट का, ये हमने खुद कस्टम करी थी, आप लोग ने देखा होगा जैसे। तो गाइज आप लोग को बता दें कि ये इंडिया की नहीं तो, या तो फिर इंडिया की हम कह सकते हैं कि पहली पोलो होगी जिसमें ये केज स्पॉइलर मतलब लगेगा, केज विंग स्पॉइलर। आप लोग एक हिसाब से देखोगे विंग स्पॉइलर ऐसा होता है, विंग स्पॉइलर बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए सपोर्ट के लिए केज बनता है पीछे चेसी पे। और जब ये बन जाएगा तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि मेरी भाई पोलो वन इन इंडिया है जिसमें ये चेसी केज बना है। हमें क्या करना है, अपना स्पॉइलर ले चलना है और दफ्ती ले चलनी है, दफ्ती पे काट के वो डिज़ाइन बनाएंगे हम लोग के सामने ही। तो पहले तो आप लोग को भाई स्पॉइलर दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हैं ये उसके विंग हैं साइड वाले, ये रहा हमारा स्पॉइलर जो कि भाई मैसिव स्पॉइलर है। आप देख लो हाइट मेरी कहाँ तक आ रहा है, ये देखो भाई कितना ब्रॉड है और कितना लेंदी है भाई। तो ये जब लग जाएगा अपनी भाई जिला पे तो जिला भाई अलग ही लगेगी, देख रहे हो भाई। तो भाई आप लोग को बता दें ये अनपेंटेड है भाई, मतलब पेंट नहीं हुआ है इस पर अभी, हम इस पर मैट ब्लैक करवाएंगे क्योंकि ग्लॉसी अपनी पूरी कार है तो इसको मैट ब्लैक करवाएंगे और केज भी हमारा मैट ब्लैक रहेगा। तो अभी भाई चलते हैं, पहले तो हम अपना केजेस बनवाते हैं, फिर जब वो मिल जाएगा तब भाई इसको पेंटेड में डालेंगे ये मलियाबाद पे। और ये दफ्ती ले ली है बड़ी सी, इस पर डिज़ाइन बनेगा कट के। तो बस जल्दी से अपनी जिला को हम साफ कर देते हैं फिर निकालते हैं चलते हैं। ये लोग सब सामान रख दिया है, दफ्ती रख दी है, ये रखा हुआ है हमारा स्पॉइलर और पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं। और भाई अब आपको थोड़ा सा फ्रेंडली मतलब थोड़ा सा आप लोग को समझा देते हैं कि केज कैसे बनेगा। यहाँ पर बनेगा मतलब जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट रहेगा, यहाँ तक आएगा जैसे ये आएगा और एक यहाँ से आएगा, ये हट जाएगा, ये स्पॉइलर हटवा देंगे। वो स्पॉइलर आपका जो रहेगा बड़ा वाला जो, वो हवा में रहेगा थोड़ा, मतलब उसको वाले स्पॉइलर को इसका कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, मतलब ऐसे हम समझा नहीं पाएंगे, मतलब समझा तो रहे हैं लेकिन आप लोग समझेंगे नहीं, तो जब होगा तभी आप लोग समझ जाएंगे। तो अभी आप देख लो भाई जिला, और ये भाई कार्बन फाइबर फिनिश वाला देख लो भाई, दिन में कितना प्यारा लग रहा है, सुबह देख लो भाई क्या फिनिश आया है, और देख लो भाई आप ये देखो दूर से देखो कितना स्पोर्टी लुक मार रहा भाई, देख रहो अलग ही लग रही है भाई। अभी इस पर काफ़ी काम बाकी है लेकिन फिर भी यार भाई बहुत प्यारी लग रही है। सो गाइस बस अपनी जिला हमने साफ ऑफ कर दी है, देख लो भाई चमक रही है एकदम। अब निकलते हैं भाई जल्दी से, निकलने से पहले एक चीज़ पूछनी है भाई, बियर्ड देख रहे हो आजकल तुम भालू बने हुए, तो अम्मा हमें डांट रही हैं। आप लोग बताओ भाई कि बियर्ड रखें कि शेव कर दें। बस पहले स्पीकर को देखिए कैसे देख रहा गाड़ी वो रिंग लाइट हमने ऑन करी है ना तो वो देख रहा है चलो भाई बीबी देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जावे आ देख खुशी देखो तो
अभी भी देख ही रहा है। तो पोलो यार ड्राइव करने का अलग ही मजा है यार। मतलब अब लिटरली आप लोगों को बताएं, कुछ टाइम बाद हमने निकाली है, बट भाई इतना मजा आता है यार इसको ड्राइव करने में, क्या ही बताएं। मतलब अलग ही यार मजा है भाई मेरे यहाँ। भाई आप लोग यकीन नहीं मानोगे, नेक्सॉन है लिटरली वो, मतलब ऑटोमेटिक है, लेकिन भाई हम वो चलाते हैं भाई मज़ा ही नहीं आता है, लेकिन जब अपनी पोलो चलाते हैं भाई अलग ही फील आता है भाई। एक तो हमने इसको थोड़ा वो करा दिया है, सस्पेंशन इसके डाउन करवा दिए हैं, तो भाई चिपक के जो चलती है यार अलग ही फील है भाई इसका, मतलब क्या ही बोलें। ये मैनुअल के चक्कर में हमने भाई जीटी नहीं ली, असल में जीटी में क्या है वो ऑटोमेटिक है, तो यार ऑटोमेटिक कार मेरे यहाँ हमेशा से मतलब ली गई है, ये मैनुअल हमारे घर की पहली कार है, अब्बा हमारे ऑटोमेटिक ही लेते हैं कार, और ये मेरी है तो इसलिए हमने मैनुअल ली है, वरना अगर अब्बा इसको लेते तो भी भाई वही जीटी लेते। तो नहीं कुछ नहीं, तो इंशाल्लाह बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बहरहाल हमें मैनुअल के मज़े लेने थे, तो भाई हम वही कर रहे हैं यार, मैनुअल अपनी चला रहे हैं भाई। मैनुअल में यार अलग सेटिस्फेक्शन है यार, जो मतलब कार लवर्स हैं ना भाई वो लोग जानते होंगे यार कि भाई मैनुअल में क्या है भाई, अलग ही फील आता है यार। अपने हिसाब से तुम पावर दे सकते हो, गियर अप और डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट कर सकते हो यार, बस ऑटोमेटिक में क्या यार बैठे हो बस यार, स्पोर्ट्स में डाल दिया, डी में डाल दिया, रिवर्स में डाल दिया, एन में डाल दिया, यही चार भाई ऑप्शन है इसमें भाई। अपने हिसाब से गियर लगाओ, अपने हिसाब से पावर दो। ये भाई मेडल देख रहे हो, इसी में लगा दिया हमने, बढ़िया लग रहा है। ये अभी जीते थे, हाल ही में जीते थे टूर्नामेंट, और इसी की वजह से भाई टूर्नामेंट अपना जो फुटबॉल का चल रहा था उसी की वजह से मेरे काफ़ी ब्लॉग्स डिले हो गए, तो भाई अब बस ब्लॉग्स तो यार बने रखे हुए हमें पोस्ट करने हैं, तो भाई जल्दी से अब एडिट करेंगे खटाखट और बस सटासट अपलोड करेंगे। सो गाइस हम लोग आ गए, ये है शॉप, और भाई लगा देते हैं गाड़ी, दरी बार गाड़ी पार्क कर देते हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं क्या सिस्टम है। गाइस दस्ती निकाल दी है, वो रखी है, और गाइस मेजरमेंट सारा हो गया है, इस पर रख के देख लिया है कितना मतलब छोड़ना है, कितना गैप ले, उस पर डिज़ाइन बनेगा, मतलब कैसे रहेगा हमारा केज उसका डिज़ाइन बनेगा, फिर तभी चादर पे कटेगा ना। बहुत मेहनत लगती है ये बनने में, और ये हम ये भी कह सकते हैं कि भाई यूट्यूब पे बहुत कमी लोगों ने ये करा होगा वीडियो जो हम मतलब बना रहे हैं केज इस पर। गाइस पूरा जब बन जाएगा डिज़ाइन वगैरह तब आप लोग को दिखाते हैं। फाइनल रिजल्ट निकल आए हैं, फाइनल जो मतलब हमारा सैंपल है ये कट रहा है, जी रख के दिखाते हैं आप लोग को, सही है आगे जी यहाँ तक। मैं लगता है थोड़ा ऐसे आने मांग रहा ना, यहाँ आ रहा हाँ बहुत आगे आ गया। भाई लोग सारा मतलब हमने डिस्कस हो गया, हमें दो घंटे लगे यहाँ पे डिस्कशन में भाई, मतलब सब कुछ रेडी हो जाएगा परसों तक, दफ्ती पे अपना वो बन गया है हिसाब से, मोटी चादर कट जाएगी और स्पॉइलर वगैरह लग जाएगा पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा भाई समझाने में, क्योंकि ये काम भाई बहुत कम ही लोग करते हैं यहाँ ना, तो समझाने में भाई काफ़ी टाइम लग गया। और अब परसों आएंगे, कल जुमा है, परसों आएंगे इंशाल्लाह, परसों हम लोग को रेडी मिलेगा, और परसों आते हैं फिर परसों ये ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अब केज मिल जाएगा तभी स्पॉइलर वगैरह भी पेंट वेंट करवाएंगे तभी, और केज भी पेंट करवाना पड़ेगा, तो पेंट वेंट का काम बाद ही में देखेंगे, और थोड़ा बहुत टचअप कराना है गाड़ी पे, देख रहे हो इसी की ये सब हल्का हल्का छूट गया था ब्लैक, तो जब अपने सुफियान भाई पास मलियाबाद जाएंगे ये सब पेंट कराने तब गाड़ी पे भी टचअप करा देंगे, तो फिलहाल तो अभी घर चलते। ठड़ा अबे भाई छोटा बच्चा लग रहे हैं यार हकीकत में भाई, भाई अम्मा यार एक महीने से रट रही थी बेचारी, अब जाके हमने क्लीन शेव कराई है, आप लोग से पूछा ही था लेकिन हमने उड़वा दिया यार।
घर में सब खुश हैं यार, आप लोग बताओ कैसे लग रहे हैं यार। घर में तो माशाल्लाह अब्बा अम्मा बहन सब खुश हैं, क्योंकि उन लोग को मेरी भाई दाढ़ी से ही मतलब प्रॉब्लम है। कह रहे हैं कि अब लग रहा है, मेरी अम्मा क्या कह रही हैं कि हाँ अब लग रहा है कि मेरा लड़का वापस आ गया, ऐसा लग रहा था कि कोई और आके घर में रह रहा था। और बहन कह रही है कि भाई अब मेरा भाई वापस आ गया देखो। तो भाई क्या करें यार, क्लीन शेव करा लिया है, अब आप लोग बताओ भाई कैसे लग रहे हैं यार। गाइस हम ये व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं 1 वीक के बाद, 1 हफ्ता हो गया भाई। वो यार अपना जो हम लोग ने केज बनवा रहे थे वो थोड़ा डीले हो गया, उनको भाई कोई काम आ गया था तो उन्हीं ने शॉप ही नहीं खोली थी, तो उन्होंने शॉप अब आज खोली है और चादर वगैरह मंगाई है, तो वो कल या परसों में मिलेगा। तो हमने सोचा क्यों नहीं भाई, जब तक कि वो केज वेज रेडी करेंगे तब तक कि हम लोग चल के अपने मलिहाबाद में चल के सूफियान भाई जिनसे हमने कार अपनी पेंट करवाई थी वहाँ चल के हम लोग अपना स्पॉयलर दे देते हैं। तो जी हाँ अभी हम लोग चल रहे हैं बस जल्दी से स्पॉयलर देने, अभी फहद और हसन भाई आ रहे हैं स्पॉयलर चल रहे हैं भाई पेंट कराने। वहाँ हसन भाई और फहद आ चुका है, हम लोग अपनी जा रहे हैं भाई अब्बा की गड्डी लेने, अपनी पोलो नहीं निकालेंगे। ये भाई लोग वही प्लॉट है जहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया था, देख लो हालत क्या हो गई यहाँ की, पूरा पट पट आ गया है। ये पप्पा की कार जो कि बहुत कम यूज़ होती है, निकालते हैं। बहुत टाइम बाद भाई हम चला रहे हैं इसको, बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं पहले। गाइस एक खेंचा मारेंगे स्पोर्ट पे डाल के, अभी एक और पे है देखना भाई, पहले गियर से उठाएंगे तो देखना। अभी पिकअप ऐसे खेंचा मारेंगे कि भाई निकल जाए सब, तो पहले साथ में खींच जाए 1 2 3 गजब यार। तीसरे गियर पे जाऊँ कितनी जाएगी, सौ चलिए। अब भाई अखाल में आ जाए आ गया। चलो भैया आ गए सब, पूरे रास्ते एक खींचा मारते हुए आए। नया ड्राइवर भाई लोग कब खेचा मारते मारते मलियाबाद आ गए पता भी नहीं चला, अभी स्पॉइलर निकाल लें पता भी नहीं चला। हाँ पता नहीं चला, मास्क भी लगा लेते हैं यहाँ पे, की बात हो रही है। नहीं समझ में आया, समझ गए भाई समझ गए यार, इसकी बात हो रही है। वही जो हाँ वही मास्क, हाँ कर दें। फोन ले लिया ना यहीं से भाई, अपनी हमने जिला पेंट करवाई थी, अभी स्पॉइलर करवाने आए। लगा पीछे लगा एक बार, यह ऐसा लुक आएगा कुछ। हसन भाई इसको यार मैट ब्लैक कराएं कि ग्लॉसी ब्लैक कराएं? भाई ग्लॉसी कराओ, ग्लॉसी सही लगेगा है ना, ग्लॉसी सही रहेगा। ये है इसके साइड व्यू, ग्लॉसी कर दीजिएगा। हाँ ये होंडा एकॉर्ड है, 2 साइलेंसर देख लो, और भभाई माइलेज तो पूछना ही नहीं क्योंकि 3000 cc है माइलेज भाई, फरारी जितना देती है लैम्बो 3 या 4 बस इतना ही, फरारी और लैम्बो भी देती हैं। और ये टोच हो गया, ये पूरा टायर इसका खराब, चारों तरफ चारों टायर हैं करोला के, करोला चलाओ कोरोना में। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, ये आई कैसे अंदर की, रिकॉर्ड के दम है भी यही खींच भी पाएगी ये, टायर में कुछ बचा तो है नहीं, टायर में लग रहा है बदले जा रहे हैं यार, सब खत्म हो गया भाई, खत्म तो हो गया। अरे अरे बहुत हल्की है बे, अबे फाइ इसको उठा बे को, बहुत हल्की है बे, सीएनजी गिट्टी इसमें मादर छोड़, अबे कोई चूतिया आदमी हो क्या, क्या हो गया, इसको लटकाए दे रहे थे कोई, लटक रहा है यहाँ पे भैया सुफियान भाई लटका रहे हैं किसी को। भाई गाड़ी वाड़ी पेंट करानी हो तो नंबर और सब कुछ लिंक में हम दे देंगे, आ जाना भाई यहीं से कराने, पहले इनको कॉल करना है। ये हमारे हसन भाई, क्यों हसन भाई हम कह रहे हैं अगर किसी गाड़ी वाड़ी पेंट करानी हो पहले तुम्हें कांटेक्ट करें, हाँ फिर बाद में सुफियान भाई से कांटेक्ट होगा। लेकिन यार अच्छा
करोला में भाई कह रहे हैं सुफियान भाई कि अगर किसी के पास हो पुरानी मतलब जिसके पास हो सामान वामान चाहिए तो इससे ले लो भाई। ये कट रही है क्या है? अच्छा स्पीकर स्पीकर सब लगा हुआ है। हाँ यार नहीं नहीं बैठ नहीं रहा को हाइड्रो टिप नहीं भाई बैठेंगे नहीं तुम्हारी गर्दन चली जाएगी। टेंशन ना लो मौत का ब्लॉग बन जाएगा। देखो अंदर से भाई कुछ भी चाहिए हो। अबे पायनियर का भाई ये आओ देखें पे हो सको भाई क्या पायनियर का एम्पलीफायर महंगा होता है भाई। खुलवा दे खुलवाओ देखें देखें अभी रुको खुलवा महंगा होता है भाई हकीकत में भाई। कुछ चाहिए बताओ। भले साले की हम लगाएंगे नहीं अपनी पोलो में लेकिन लेके रख देंगे भाई। भाई ये पायनियर का वो एम्पलीफायर बहुत महंगा होता है भाई। इनसे पूछो तुम बताओ हम क्या देंगे। तुम बात कर लो अपनी वाली हम लगा लेंगे भाई पोलो में। मेरी मेरी पोलो में अभी एम्पलीफायर लगा है ना इसको इसको लगा देंगे ये वाले को। सुफियान भाई कह रहे हैं ठीक है भाई इनसे ऑफ द कैमरा बात करेंगे कैमरे में बात नहीं करेंगे। लोग समझ नहीं रहे यार पायनियर का बहुत तगड़ा होता है भाई यार साउंड सिस्टम यार एम्पलीफायर भाई मेन एम्प होता है यार। गाइस ये है देखो पायनियर का ये दोनों यार ले लेंगे। इंजन देखो 3.0 वीटेक खोल रहा है क्योंकि अभी चल के आई है का इंजन मार दे और जिला में लगा दे सच में देख लो। अरे भूत नहीं के इंसान कभी लेने की सोचेगा नहीं क्योंकि शौकीन बंदे ही ये सिर्फ गाड़ियां चलाते हैं भाई। चार का एवरेज देगी कौन लेगा भाई सिर्फ शौकीन लोग ही भाई। देख लो इस पोलो का भी एक मॉडल ये रहेगा हाइड्रोलिक वाला देख रहे हैं भाई इसमें बोनेट में हाइड्रोलिक वो लगा हाँ मतलब जैसे डिक्की में पीछे लगती है आगे। भाई इतना हरामी है ये एक सब्सक्राइबर बढ़वाया है वहाँ पे और कह रहा कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। और क्या यार एक एक करके बढ़ेंगे कितनी कोल्ड ड्रिंक पी जाएंगे भाई। पांच सब्सक्राइबर पांच कोल्ड ड्रिंक सारे बढ़ाए हुए मेरे ही है क्या? अभी 10 आईडिया लेके आ जाएंगे अपने 10 फोन से कहेंगे लो भाई बढ़ा दो 10 कोल्ड ड्रिंक अपनी। भाई स्पॉइलर दे दिया है उसमें सुफियान भाई 1000 का खर्चा बता रहे हैं जब आएंगे बाद में भाई कंसेशन वगैरह कराएंगे अभी कुछ बोला नहीं। अब यार एक आध दिन में बुलाया है अभी चलते हैं घर अब आएंगे एक आध दिन में। भाई चलने से पहले हम लोग ने मतलब हमने ये डिसाइड करा कि यार रास्ते में भाई जहाँ केज बनने को दिया है वहीं चल के देख लेते हैं काम कहाँ पे पहुँचा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया 5-8 दिन लगा दिए तो अभी हम लोग वहीं चल रहे हैं। गाइस शॉप पे आ गए हैं पप्पू भाई हैं नहीं पप्पू भाई गए हैं संडीला उनके भाई की तबीयत खराब हो गई है थोड़ी तो यार अभी तो कह रहे हैं नहीं मिल पाएगा 2-3 दिन और लगेंगे यार तो अभी उनसे बात आत करेंगे। ये लोग घर निकल रहे हैं अब यार देखो जैसा भी होगा आप लोग को अपडेट दे देंगे। बहरहाल अभी एक कल तो हम लोग का वो स्पॉइलर पेंट हो जाएगा और ये देखो भाई कब बनता है हमारा केज अपने आप बढ़ा रहे हो हैं सब्सक्राइबर अपने आप बढ़ा रहे हैं साले मांग मांग के दूसरों का फोन बता दो मांग मांगा है ना भाई आज देखो हम लोग 1500 हसन भाई को पड़े मिले 1500 हसन भाई को पड़े मिले अब पैसे वालों के ही पैसा मिलता है। 3 हिस्से बनेंगे इसके भाई 500 के समझ रहे हो गाड़ी खोल दे गाड़ी खोल लुटा दे पैसा बोलने जा रहे थे भाई के गाने पे पैसा लुटा यू 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 गड्डियां उठा दे। गाइस हम लोग भाई तफरी तफरी में आ गए डालीगंज के मेले व्यू देख लो भाई कितनी है यहाँ पर। आज पहली बार शॉपिंग कर रहा है आईफा के लिए वो भी हराम के मारे थे पैसे रोड पे हमने को लिया ही नहीं लिया था तो ब्लॉग में दिखाया था हमने है कि नहीं भाई को लिया ही नहीं हमने हमने ये लिया भाई 10 रुपए का। गाइस एक टाइम था भाई जब छोटे छोटे हम लोग भी इतने बड़े थे भाई झूले में जाने को मिलता था लेकिन यार अब एक ऐसा दौर आ गया भाई इसको देख सकते हैं हमसे कह रहा है भाई 1000 रुपये भी दोगे तो भी नहीं जाएंगे और मेरे अब झला गई भाई इनके पास आए अभी हम इनसे बात करेंगे और इसको ख़रीद लेंगे मतलब ये इनका ये वाला नहीं खरीदेंगे लेकिन जहाँ भी ये मिलते होंगे वाला खरीदेंगे तो अभी इनसे बात करते हैं पहले ये है देख लो अभी नंबर करने जा कॉल करने जा रहे हैं और इसको पूछते हैं भाई कितने का क्या बताते हैं। हसन भाई अपने से कॉल मिलाओ अब ये घर पर आएगा हमारे ना झुलाओ भाई कोई दिक्कत नहीं ठीक खरीद के रहेंगे बेटा तुम्हें मिक्की माउस दोस्तों के साथ चैलेंज करेंगे भाई मजा बहुत आएगी हसन भाई इसमें हसन भाई ले लेंगे इसको बैठा लेंगे हसन भाई कह रहा है स्पेशल बना है बाद इनके लिए देख रहे हो
सत्यम बैठे हैं कि उधर का चला गया, उधर दिख ही नहीं रहा कुछ। कॉल जा रही है क्या? स्विच ऑफ, दोनों नंबर स्विच ऑफ। तीसरा मिला गाइस, हमने उससे बात करी है, वो कह रहा है दिल्ली में मिलता है, तो दिल्ली हम लोग जाएंगे अभी अलॉय के लिए, तो वहाँ पता करेंगे। और ये बता रहा है सेकंड हैंड बाइक मिलता है 50,000 रुपए का, तो आप लोग को अगर नॉलेज हो तो बताओ क्या, कौन सी बैकग्राउंड की? हाँ है, तो मतलब 50,000 रुपए का है, तो यार आप लोग बताओ, अगर एक आध को किसी को पता हो तो भाई कमेंट करके बता देना, और अगर सही प्राइस है तो हम ले लेंगे इसको, सेकंड हैंड ले लेंगे। कलचुल भाई महंगा वाला देना। हाँ इन लोग को, हाँ सत्यम के लिए लेने, सत्यम के लिए कलचुल। हसन भाई किसके लिए ले रहे हो? सत्यम भाई के लिए। हाँ सत्यम भाई है गाइस, भाई ये ब्लैक मांबा को देखो, ब्लैक मांबा निकलेगा, ये निकला ये ब्लैक मांबा, नाइकी, नाइकी स्पॉन्सर्ड, खतरों के घटरों के खिलाड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं इसमें, क्या नाम है, इन गेट, अरे इन गेट नाम नहीं है भाई, झूले का नाम पता नहीं क्या है इसका भाई, इसमें जाएंगे। अबे उसमें नहीं, मज़ा नहीं आएगा अबे, अरे बहुत ऊपर थे क्या उस दिन तुम लोग, केवाले मेले में गए नहीं, आज यहाँ कैसा समझे, आज नाटक ना करो, आज इसमें जाएंगे। हाँ भाई टिकट ले रहा है हसन, इस पे जा रहे, प्लान चेंज हो गया यार, उस पे मज़ा नहीं आ रहा है, जो टिकट दे रहा था ना वहाँ का, वो भी कह रहा है कि उस पे मज़ा नहीं आएगा भाई। अबे इसका नाम क्या है यार, भूल गया यार, नाव वाला झूला, हाय गजा कोलंबस। भाई रिएक्शन मिलेंगे, पता नहीं आज कैसे भूता आ गया दोनों को, पीछे बैठेंगे भाई, मार दिया है, हैंड ब्रेक लगा दिया, ए ए ए कहाँ जा रहे हो, अबे आ बे, अबे भाई बैठ गए, ये वाला कोलंबस बढ़िया लग रहा है यार, काकुरी के मुकाबले। आज पता नहीं यार ये लोग कैसे आ गए, देख रहे हो, अबे तुम लोग इधर आओ, रिएक्शन लेने। यूसुफ भाई अगर ब्लॉग देख रहे हो, उस दिन ये दोनों नहीं आए, आज तुम्हें गोली दे के देख रहे हो, यहाँ डालीगंज वाले मेले में दोनों कोलंबस में बैठे हैं भाई साथ में, बहुत भाई अभी मजा आएगा ना, कुछ नहीं हो रहा है अभी, पता चलेगा, रुक जाओ अभी हसन भाई, पता चलेगा, अबे बहुत ऊपर जा रहा है भाई, अबे काफी ऊपर जा रहा है ये वाला, अबे मजेदार है भाई, भाई इन लोग के इतने हिम्मत आ गई, अच्छा लग गया कि दूसरी बार जा रहे हैं, अब की पीछे वाल खड़े हैं, खड़े हैं। सरकार गिरा दी, तीसरी बार झूल रहे, क्या करा, 80 रुपए टिकट है, हम लोग ने 2 बार 80 दिया, ठीक है, उसके पास हम गए और हमने कहा भाई 100 रुपए में 3 लोग का कर लो, पहले तो हाँ पहले तो ऐठन खा रहा था, फिर कहने लगा चलो ठीक है भाई, मतलब हम लोग जब उतरने लगे तो कह रहा ठीक है 100 रुपए में 3 लोग हो गए भाई, ये बढ़िया हुआ यार, मजा आ गई भाई, तीसरी बार ये देखो पकड़े हुए हैं।
भाई लोग ये ब्लॉग हमें नहीं लग रहा है कि मेरी मतलब जिला पे भाई हमें लग रहा है झूल मेले पे क्योंकि चौथी बार झूल रहे हैं वो भी फ्री। हर ब्लॉग में हसन भाई खोल के खड़े हो जाते हैं देख रहे हो नजारा लेके मूत रहे थे भगाए गए हैं ये देखो न्यूयॉर्क सिटी अरे बाप मार डालोगे तुम साले उसको। गाइस हम लोग रास्ते में आलमबाग के लिए जा रहे हैं वहाँ मॉल से अपने डालीगंज से आने बाद मॉल जा रहे हैं ये 2K22 CX में एक्सचेंज करके लेंगे अब थॉर रैग्नारोक बहुत टाइम हो गया भाई खेला नहीं लॉन्च हुए उसको काफ़ी टाइम हो गया भाई मेन चीज दिखाओ ब्लैक कराइए तो कितनी मेहनत करते हो दिन और रात भाई लोग टर्बो की आवाज सुनना सीटी आज हम लोग भाई फिर जा रहे हैं उन्हीं के पास उनके भाई भाई की डेथ हो गई थी तो यार उन्हीं ने बुलाया है 2 महीना हो गया होगा ना फाद यार बहुत टाइम हो गया अब लगेगा जाके भाई वो जेसी माउंट शॉप पे आ चुके हैं और भाई आधे घंटे ज़्यादा हो गया बैठे हुए लेकिन जो भाई ओनर हैं पप्पू भैया वो आ ही नहीं पा रहे हैं मतलब क्या बोले गलत फंस गया यार उनकी मसले में क्या बताया जाए भाई हमने एडवांस वगैरह पेमेंट भी कर दिया था वो बन भी गया था ना यार तो इसलिए ना हाँ तो वो मेरे तो पतला गोल पाइप है ना हाँ दो लग जाएंगे गाइज ये जो है ये देख रहे हैं आप दूर से देखिए तो बहुत ज़्यादा मतलब वाइड लग रहा है ये चीज़ मतलब तो ये थोड़ा सा भाई पतला होगा थोड़ा मतलब चौड़ान में ज़्यादा हो गया तो इसको सही करा रहे हैं भाई अब काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है इस वाले से आप लोग को बताते हैं जो चादर थी भाई ख़राब हो चुकी है दोनों देख लो क्योंकि ये जो दूसरी वाली हम लोग ने कटवाई थी भाई बहुत ही छोटी कट गई पूरा लुक ख़राब हो गया इसका देख रहे हो ख़त्म हो गया भाई लुक जाड़ा भी आज बहुत हो रहा है भाई पूरा लुक ख़त्म हो चुका है भाई और ये जो था भाई इसका ये टॉप का भाई जो है बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो ये बॉयलर के बाहर आया जा रहा था तो नई चादर कट रही है भाई चाचा आप नहीं देख रहे हैं ना पान खा ले चाचा पहले गाइस हमारे हॉट व्हील्स वाले स्पॉइलर को बाय बाय भाई निकल रहा है भाई बिना स्पॉइलर के लग रहा टकला कर रही है मुंडन हो गया जिला का मुंडन हो गया भाई देखो बात इधर से बहुत भयानक गैप है बहुत बहुत ज्यादा गैप है भाई गेट बनना है सामने वाले में जो वहाँ बना है भाई इतना ज़्यादा प्यार है ना अपनी गाड़ी से कि खाना भी नहीं खाया है तो तीन करा रहे हैं आज हम वो खड़ी है अपनी जिला और आज हम चल अभी भाई लोग इस पर पूरी रेगमाल चलेगा गाइस देख लिया आप लोग ब्लैक हो चुका है एसी माउंट